बागेश्वर के पिंगलो दो हत्याकांड का आरोपी पकड़ लिया गया है। वो मां बेटे का हत्यारा है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंचे। आरोपी विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था। मृतका के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। शुक्रवार को पुलिस ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीते 6 जनवरी को पिंगलो शिव नदी के पास नदी किनारे महिला और कुछ दूरी में एक बालक का शव बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 टीमें गठित की गई। एक सीसीटीवी पिंगलो गांव में भी है, जो मददगार बना। इसके अलावा गरुड़ और बैजनाथ क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले गए, तब जाकर पुलिस हत्या आरोपी तक पहुँच सकी। आरोपी 5 जनवरी को पिंगलो आया। उसने पहले महिला और उसके बाद बालक की फंदे से हत्या की। महिला के मरने के बाद उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और उसके चेहरे को पत्थर से वार कर हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की, ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। घटना को अंजाम देने के बाद वो दिल्ली भाग गया। घटनास्थल से पूर्व में चाकू बरामद किया गया था। उसके विरुद्ध बैजनाथ थाने में 302 में मामला पंजीकृत किया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है। मृतका 35 वर्षीय कुमकुम देवी पत्नी राजू, जबकि 8 वर्षीय बालक उत्तम है, जो बिहार निवासी हैं। बिहार निवासी आरोपी 37 वर्षीय मुन्ना महतो पुत्र इंद्रजीत महतो को पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में लिया। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। उसके घर में पत्नी और 3 बच्चे हैं। दिल्ली से पहाड़ घुमाने का झांसा देकर हत्या करने के बाद से वो मृतका व उसके पुत्र को यहां तक लाया और यहां बड़ी वारदात को अंजाम देकर चलता बना। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।